उत्तर प्रदेश के इटावा से कोरोना मरीजों को लेकर एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें कोरोना मरीज घंटों तक सड़कों पर टहलते नजर आए। आपको बता दें कि सैफई पीजीआई में कल सुबह 4 बजे रोडवेज की बस और कुछ एम्बुलेंस के जरिए आगरा से 59 कोरोना मरीजों को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन बस सुबह 4 बजे पीजीआई पहुंच जाती है और उस समय पीजीआई के गेट बंद मिले। ऐसे में सुबह 7 बजे तक 59 कोरोना से संक्रमित मरीज अस्पताल के गेट के आसपास ही टहलते रहे, जिसके बाद 7 बजे आसपास के स्थानीय ग्रामीणों ने सैफई थाने में सूचना दी और तब जाकर आधे घंटे के बाद सीओ सैफई और चंद्रपाल सिंह सैफई थाना अध्यक्ष और थाने की फोर्स लेकर पहुंचते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद जब इसके बारे में वाइस चांसलर राजकुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। लापरवाही है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये पेशेंट्स परसों आने थे और जब भी मरीज ट्रांसफर किए जाते हैं इतने नंबर में, तो इसका तरीका ये होता है कि एक जिम्मेदार डॉक्टर, चिकित्सक या कोई एडमिनिस्ट्रेटर लिस्ट लेके आए जिसमें सारे मरीजों के नाम लिखे हों, उनका क्लिनिकल स्टेटस पता हो, वो पॉजिटिव निगेटिव का उनका स्टेटस पता हो, उनके बारे में और जो पॉसिबल डिटेल है कोरोना के व्यू में कि कौन कहाँ से किस एरिया से आया वो हो, तब जो है हमारी टीम उनको 70% तो नंबर होता है ना, तो तब जो है उन मरीजों को हम अंदर, हमारा तो वार्ड सब कुछ तैयार था, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन हुआ ये कि कुछ कम्युनिकेशन गैप्स रहे। हमारी टीम तो हमेशा अलर्ट पे थी, लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप्स होने की वजह से ये जब पहुंचने थे, मतलब उस दिन तो पहुंचे नहीं, तो नेक्स्ट डेट में आए। तो देखा आपने कैसे अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालकर अपनी गलतियों से बचने की कोशिश की जा रही है। इटावा से न्यूज़ के लिए उवेश चौधरी की रिपोर्ट।